ये क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राणा सिंह है। सर मैं श्रीनगर में अभी तैनात हूँ, सेना में कार्यरत हूँ। क्या हुआ, क्या घटना हो गई आपका? सर मैं पूरे धनी पुठई का रहने वाला हूँ और घटना ये हुई कि मैं फौज में हूँ, कार्यरत हूँ, सैनिक हूँ। घटना ये हुई कि हमारे पड़ोसी हैं एक लोग, तो जो हमारा पीछे खेत है उस पर ज़बरदस्ती मिट्टी डाल रहे थे या कुछ भी, तो हमने उनको ये समझाया कि भाई हमारे घर में कोई नहीं, हमारे पिताजी नहीं हैं, आप मिट्टी मत डालो। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद हमारे ग्राम प्रधान रामू मिश्रा, उसको रात में 3 बजे थाने भिजवा के मेरे नाम अप्लीकेशन दिलाया। उसके बाद अनिल कुमार विश्वकर्मा और हरिंदर जार दो सिपाही आए, बोला कि तुमको एसओ साहब याद कर रहे हैं और चलो थाने जल्दी। मुझे थाने ले गए तुम। मैं थाने गया, हल्के दरोगा से बात कर रहा था, तभी अनिल कुमार विश्वकर्मा ने मेरे 3-4 झापड़ मारे। उसके बाद मुझे बैठा के बोला इसका 151 में चलान करो। किसी तरह वहाँ से निकलने के लिए मैंने हाथ पैर जोड़ के सुलह सपाटा कराया और जो विपक्षी पार्टी थी उनके सामने मुझे मार के भगा दिया, बोला तुम जाओ। सुलहनामा पे मैंने साइन किया, सब कुछ मैंने किया। वो और उनका कोई बुड्ढा था, वो मुझे पता नहीं कौन था। आज रामू मिश्रा, आज की दिनांक में रामू मिश्रा, 2 पुलिस आई है बाहर, विपक्षी टीम को बैठा के 60 गार्ड बनाया, बोला इसको साले को फंसा दो। और हरिंदर जाट ने मेरे से बोला तुम्हें 151 में बचाया है, 4,000 रुपये दे दो। मेरे पास 10 बजे रात तक की कॉल भी आई, क्या जरूरत थी जब मैं सुलह होके आ गया तो मेरे पास क्यों कॉल कर रहे थे? किसने मारा पीटा आपको? अनिल कुमार विश्वकर्मा। ये कौन है? ये कांस्टेबल है थाना डी। और थानेदार ने क्या कहा? थानेदार को मैं रो रो के वही बताया कि सर मेरे को मारा है, बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुमको मैं सुलह करा रहा हूँ। आप फौज में, उसके बाद इस तरह की घटना? वही मैं बोला कि सर मैं भी वर्दीधारी हूँ, मेरी इज्जत है, मुझे क्यों मारा गया? बोले कोई बात नहीं, चलो हो गया जो हो गया, तुम जाओ। क्या चाहते हो एसपी से, क्या करें? मैं एसपी साहब से यही कहना चाहता हूँ, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, मुझे न्याय दिलाया जाए और मेरे ग्राम प्रधान पूरी तरह से लगे विपक्षी को लेके, उसको धमका के, जब बाहर गांव के समझा बुझा के उससे बयान दिलाया, उसको आज सुबह से 2 पुलिस गई मेरे घर के सामने से और रामू मिश्रा प्रधान जी। अगर न्याय न मिला तो क्या करोगे? न्याय नहीं मिला तो मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने जाके मुख्यमंत्री के सामने अपने आप पे पेट्रोल डाल के अपने खुद को जला दूंगा, मेरी आत्मसम्मान की बात है ये। तो आपको लगता है, मतलब वर्दी में आप भी देश की रक्षा कर रहे हैं, आपका पिछले घटना जी, क्या अधिकारियों से बताया आपने? मैंने एसपी साहब, कप्तान साहब से बताया। क्या बोला? उन्होंने बोला आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा, ना आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, इसकी जाँच होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए बस।